आप लोगों ने लगातार रामायण को सुना है, शेष भाग को भी उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। सीता का हरण हो गया था, सीता का अपहरण अपने आप में एक बहुत दुख और वेदनाओं से भरी हुई कथा है और सामान्य की नहीं, विशेष और उसमें भी पुरुष की नहीं किंतु महिला की है। बड़ा करुण वह दृश्य जहाँ राम भी नहीं लक्ष्मण भी नहीं, स्वयं अकेली सीता और उसका किस प्रकार अपहरण हुआ। सुनियोजित कार्य इसी प्रकार हुआ करते हैं। सत्कार हमेशा हमेशा जीवन को उन्नत करने वाले होते हैं। उस समय कोई साथ देने वाला था तो वह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है, पात्र है। वह उस रावण के ऊपर प्रहार करने के लिए तैयार हुआ था, किसी को शायद ध्यान में नहीं है। वह कहता है यह पर्याय तो क्षणिक है, इसके लिए हम यहाँ नहीं आए किंतु इसको सार्थक बनाने के लिए आए। सार्थक जो बनता है शब्द में अर्थ जब आ जाता है तो वह सार्थक बन जाता है। शरीर में जीव आता है तो जीव अनवर्त संज्ञा वाला हो जाता है और वह जीव के अभाव में यह जड़ कहलाता है। इसका अपना कोई महत्व नहीं होता और उसने उस कार्य के लिए प्रतिकार के रूप में सर्वप्रथम उस रावण के ऊपर अतिक्रमण किया था। आपको याद है आप लोगों, राम छोड़ करके गए, लक्ष्मण छोड़ करके गए, कारण कुछ था आपको ज्ञात है और राम क्यों गए ये तो आप लोगों को ज्ञात है। सीता के मांग को पूर्ण करने के लिए वो गए, सीता को मांग करने के लिए तो वो चले गए और इधर सीता के अपहरण होने के लिए जब तैयारी हो गई उससे पूर्व में लक्ष्मण को उन्होंने भेज दिया, जाओ जाकर के देख तो लो राम का क्या है, वनवास तो हम भोग रहे हैं लेकिन वो अकेले हैं, लक्ष्मण यहाँ पर मत रहो। ये वो भी चला गया जिन्होंने नियुक्त किया था राम ने लक्ष्मण को, और उस नियुक्ति का भी उसको उल्लंघन करना पड़ा। जाते समय वह अतिक्रम करने वाला कोई आ भी जाए, वह अतिक्रम न कर सके इसलिए लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची थी, लेकिन वह काम इसलिए नहीं आए, भीतर कोई न आए
इसके लिए खींची गई थी। इस आंगन में ना आए ऐसा नहीं, क्योंकि आंगन में साधु आ सकता, आंगन के बाद उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि यह पहले से उसे अनुमति प्राप्त है। और यहां तक कि वह चौकट तक जा करके अपना दर्शन भी दिला सकता है, लेकिन खिड़की में से कोई देखने का साहस साधु नहीं करते। इस प्रकार यहाँ तक तो आ गए, वो भी यही सोच करके कहता है भिक्षाम दे, भिक्षा मिल जाए, किंतु मैं भीतर नहीं आ सकता। यह भीतर को छोड़ करके बाहर नहीं आ सकती, सब अपने अपने सीमाओं में बंधे हैं, लेकिन अतिथि के लिए सत्कार होना आवश्यक है। यह यहाँ से वापस ना जाए, साधुओं के लिए इतना अनुमति मिली है कि वह इस लक्ष्मण की रेखा का भी उल्लंघन न करे, भीतर न जाए। गृह मंत्री को पूछ करके घर की गतिविधियां होती हैं, परिस्थिति यदि मान बिगड़ती है तो प्रधानमंत्री को भी वहां पर जा करके बताना पड़ता, कहना पड़ता है, किंतु वहां पर गृह मंत्री के बिना कार्य नहीं हो सकता। सब अपने अपने कर्तव्य निष्ठ हैं, लेकिन जब सीमाएं उल्लंघन हो जाती, उल्लंघित हो जाती है, सबके ऊपर आपत्ति आ जाती। संपत्ति कभी कभार मिलती है तो आपत्ति तो लगी हुई रहती। इस तो उपदेश में कहा है, एक के बाद एक अरहत की भांति घड़ा भरा हुआ आ जाता है, ये खाली हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, तब तक दूसरा जो खाली था वो भर करके तैयार होता। किया हुआ यह अपना ही दोष अपराध है, उसके कारण यह चक्र चल रहा है और बैलों को हमने ही जोड़ रखा है, और उसके खींचने से यह पानी भरता भी है और खाली होता भी है। जिसने इस रहस्य को समझा, राग द्वेष रातो बंदम, यह राग और द्वेष के कारण संसारी प्राणी आतुर है, दुखी है, त्रस्त है, किंतु उसे ये ज्ञान करना अनिवार्य है। ये सारी सारी प्रतिज्ञा इसीलिए, और कोई प्रतिज्ञा को प्रतिज्ञा नहीं कहते, किंतु इस प्रकार की मर्यादाओं की जो रेखा होती है वो हमेशा हमेशा हम लोगों को झकझोर करके बताती है, तुम यहाँ पर अपराध कर रहे हो, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। लेकिन ऊपर वाली ये भी तो कह रहे हैं, सीता ने कहा लक्ष्मण जी उठ जाओ, तुम जाओ वहां पर, कवियों को लिखना पड़ा, कोई भी स्वर्ण के हिरण नहीं हुआ करते हैं, किंतु राम के लिए उपदेश मिल गया, राम इसको सहज नहीं पाए, समझ नहीं पाए, लेकिन समझाने में कोई कमी रहती है नहीं रहती है, और वो लिख दिया, लेकिन लिखने के उपरांत भी काम होने से नीति निपुण थे रावण भी, लेकिन अपहरण करने की बुद्धि उनको हो गई, वह भी बंधा हुआ था, ध्यान रखना। रावण संतों के मर्यादा में जो आता है, ऐसे कोई भी व्यक्ति वो बंद करके जाता है,
ऐसे इनका कर्तव्य होता है। लेकिन वो भी बहुत निपुण था, उन्होंने कहा ले लूँगा, आपके कहने से मैं व्रत ले लूँगा, उसका पालन करूँगा, लेकिन मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा। किंतु क्यों, भीतर ये भाव था, मुझसे कौन है वह महिला जो प्रभावित ना हो। इस गर्व ने उसको इस प्रकार का संकल्प लेने के लिए बाध्य किया। ये तो रामायण पढ़ो आप, ये सब मिलेगा। उतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि यह सब भूमिका बनने के उपरांत भी उस जटायु पक्ष ने कहा, मैं जब तक जीवित रहूँगा तो तुम्हें भीतर जाने का कोई अधिकार नहीं है, और इनको ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। और बार बार वह अपने पंखों के माध्यम से प्रहार करता रहा, ये जान रहा है मक्खी हाथी के साथ लड़ने के लिए तैयार है। हार ही नहीं, प्राण तो गंवाएगा, लेकिन ये प्राण आज तक यह आप लोगों के लिए झकझोर रहे हैं। ऐसा भी जटायु पक्षी था जिन्होंने व्रत ले रखा था, मैं अपने प्राणों की रक्षा करता रहूंगा, लेकिन दूसरे के प्राणों के ऊपर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आना चाहिए, उस समय मैं धावा बोलूंगा। यह एक रामायण का बहुत अच्छा पात्र है। और उसने एक चाबुक से उसको दूसरे तीसरे बार के बाद मार गिराया। जब राम आए, समझ में ये आ रहा है ये कौन, ओ जटायु पक्षी है, इसके प्रहार करके वह लेकर के गया है, यह आज तक याद है। यह जब प्राणांत हो जाता है, सीता को बहुत प्रिय था जटायु पक्षी, राम के लिए भी प्रिय था, क्योंकि उसने दान की अनुमति अनुमोदन किया था। अतिथियों के लिए अरण्य जंगल में भी आहार हुए हैं, और वहाँ किस ढंग से आश्चर्य हुए हैं आप लोगों को ज्ञात है। अब सीता के अभाव में कुटिया में रहो, कब तक रहोगे, वनवास को छोड़ करके घर नहीं जा सकोगे। सीता के अभाव में चैन नहीं मिल पाएगी। मैंने प्रतिज्ञा दी थी जिस समय पानी ग्रहण हुआ था, और जल के साथ यह जलांजलि दिया था, प्रतिज्ञा दी थी, और अग्नि के सामने ये प्रतिज्ञा हुई थी। प्रतिज्ञा व्रतों की अपेक्षा से मर्यादा को कायम बनाए रखने के लिए ली जाती है, आज्ञा इसके लिए नहीं दी जाती जिस किसी कार्य के लिए। महाराज हमारे लिए आज्ञा दे दो कार्य के लिए, ये बताओ पहले, तो हम दे देंगे, लेकिन एकदम हम दे दें नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें अहिंसा का पालन होना अनिवार्य होता। यह तो आप लोगों के सामने रखी जटायु पक्षी का, और सुंदर संतान वह दृश्य था जिस समय आहार दान हुआ, उससे पूल में नमुदा भक्तियाँ हुई, उसमें उसने अपनी तरफ से गंधोदक लगाया था, इसलिए उस गंधोदक का चमत्कार देखो,
उसके जितने भी बाल थे वो सारे के सारे स्वर्ण के हो गए थे। अभी बालिकाएं कह रही थी हमारे लिए सब कुछ ये है। अरे जब त्रियंच और जटायु पक्षी एक प्रकार से हिंसक माना जाता है, लेकिन यह बीतरा ये संतों का चमत्कार आहार होने से पूर्व में वह गंधोदक उसमें वह लोट पोट हो रहा था। आप लोग तो यूं गंधोदक लगाते, वो कहता है मेरा जीवन इसमें घुलेगा, और वही हुआ, चमत्कार हुआ। स्वर्ण के बन गए, इससे सब लोग कहने लगे इनके प्राण और इसके जीवन भीतरी आत्मा कितनी खुशी के साथ इसको निर्वाह किया है, हम कह न सकते। त्रियंश है, दूर रहता था वृक्ष के पास, लेकिन वहां पर रह करके वह ताली बजाता था। ऐसा हो इंद्र भी तांडव नृत्य करता है तीर्थंकरों के सामने नहीं, किंतु ऐसे ही जब आश्चर्य का समय आ जाता है तो इंद्र भी उस समय तांडव नृत्य करके रत्नों की वृष्टि करता है। यह इतिहास है, यह कथा है, ये एक हृदय की व्यथा है। हमारे लिए क्या है? अरे अभी तुम हमारे हमारे मारे, हम मारे जा रहे हैं, मरता तो है नहीं, हम मारे जा रहे हैं, हमारा क्या होगा? बस हमारा को ही मारना है। राम ऐसे रहे नहीं, वो मारते रहे, किंतु किसको मारते रहे? किसी कवि ने पहले भी हमने सुना था, प्रसंग है, और एक बार सुनाऊं? चलो, वो कवि कहता है, अरे राम क्या कर रहे हैं, जग को तारते जा रहे हैं, तारते जा रहे हैं, तारते जा रहे हैं, और अपने मन को मारते जा रहे, मन को मारते जा रहे। अद्भुत है, अपने आंखों में पानी आते हुए भी दूसरे को न दिखे, ऐसे वो कार्य कर गए बंधु। अब आप लोगों का जीवन यहां तक हुआ महाराज, इसके बाद हमारा क्या होगा? अरे पुनः मारा नहीं, हम रहेंगे और उसी प्रकार प्रतिज्ञा का पालन करेंगे। हमारा तो निस्तार निश्चित रूप से हो गया है, और उसी के कारण उसको एक पात्रता मिल गई रामायण में। किसी के कहने से नहीं, वो पात्र बन गया। केवल सीता के हरण समय पर उसको सहन नहीं हुआ, किंतु बाद में होगा पश्चाताप। अविवेक को तो बाद में पश्चाताप होता है, विवेक को पूर्व में हो जाता है, इतना ही अंतर है। उस पश्चाताप का कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि उसमें अपनी तरफ से जो विलंब हुआ है उस विलंब का द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार अर्थ निकालते हैं, तो काल के अपेक्षा से वह विलंब हुआ उसका कोई फल नहीं मिलता। परीक्षा में आप बैठने वाले हैं और घंटी ले गए, उस समय नहीं गए तो आपका पेपर तो समाप्त हो गया, यही उसका हो गया।
ऐसा करता हुआ राम भटक रहे हैं सीता के अभाव, अभाव के कारण नहीं, उसका मैं एक व्रत लिया था कि जब तक इस घट में प्राण रहेंगे यही रघुनाथ की कुल परंपरा है, जब तक घट में प्राण है तब तक क्या होगा, तब तक तो चलता रहेगा, लेकिन यह घट में प्राण जब तक रहता यही रीत रघुकुल के आई। यह रघुकुल, रघुकुल जो है यह लघुकुल नहीं है, तो रघु का अर्थ होता है राघव, राम के लिए आया, यह कुल की एक प्रतिज्ञा हो गई। इसके बाद कई दिन व्यतीत हो गए, सीता के अभाव में भी वो कहाँ है, निश्चित रूप से भोजन उसको नहीं मिलने के उपरांत भी नहीं खाती होगी, वो एक प्रतिवर्ता है, सती है, उसने ऐसी प्रतिज्ञा ले रखी है। फिर आगे का पात्र की बात यदि आ जाती है कि अब भैया कहाँ पर है वो, इसकी गवेषणा न राम की वश की थी, न लक्ष्मण की वश की थी, न ही और कोई भरत की वश की थी, और किसी की भी नहीं थी, एकमात्र जय अलख निरंजन राम ऐसे भक्त को तैयार किए थे कि वह हनुमान हमारे रहते हुए आप चिंता क्यों करो, तो हनुमान सोचो चिंता नहीं है तो क्या करें बताओ, हम क्षत्रिय है, क्षत्रिय वही होता है प्रजा के लिए हमेशा हमेशा चिंता करता ही रहता है, सोने के लिए सिंहासन नहीं मिलता, पांच वर्ष के बाद क्या करेंगे अभी मत सोचो, अभी पांच वर्ष में क्या करना ये बता दो, इनसे प्रजा से आप अभिमत लेते हो, लेते हो ले लो ले लो, कौन क्यों खड़े हैं काय के लिए, लड़ने के लिए, चुनाव में लड़ा जाता है शस्त्र के बिना, और लड़ते ही रहते हैं, ये चुनाव हो गया अगले चुनाव की तैयारी करो, अरे ये क्या है आपने एजेंडा में ये लिखा था कहा था कि हाँ पाँच साल तक ऐसे ऐसे कार्य करेंगे, हाँ बिल्कुल ठीक करेंगे, हम कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से और अवधि बढ़ाने से ठीक होगा, ऐसे ये लोग नहीं करते थे, प्रजा के लिए समर्पित होकर के कार्य करते थे, अपने जीवन काल में इन्हें ये काम किया है, इसलिए उसको कहा ये भक्त और विरक्त थे, होते प्रजा के अर्थ ही राज्य कार्य सख्त थे, राज्य कार्य में ये आसक्त इसलिए रहते थे प्रजा के अर्थ, प्रजा के पालन के लिए रहते थे, आज प्रजा को कोई पालन नहीं तो राजा भी नहीं है तो प्रजा भी नहीं है, प्रजा सत्तात्मक अवश्य है, इसका क्या अर्थ होता है न आप जानते हैं, न ये जानते हैं, न ये जानते हैं, हम भी जान नहीं पा रहे हैं कि प्रजासत्तात्मक क्या है, प्रजा के हाथ में यदि सत्ता आ जाए तो प्रजा में क्षत्रियता भी आना चाहिए, छुप करके बैठ जाए तो कैसे आएगा, वो बैठने के लिए है ही नहीं,
श्वास भी लेते हो तो भी उसके लिए ज़्यादा जो है आपको परिश्रम नहीं करना, श्वास लेते हुए चलो। भोजन करते समय आपके लिए कहा जाता है, श्वास लेते समय अन्न नली के न जा कर के यदि श्वास की नलिका में अन्न का दाना जाएगा तो आपका समझ लो अब रामा राम ही उसके लिए भरोसा बंद क्या होगा आपका। इसलिए आप श्वास ले लेकिन उस समय खाना बंद करो और श्वास लेकर के फिर इसके उपरांत श्वास लेना प्रारंभ कर दो। ऐसा यह कार्यक्रम चलता रहता है, ऐसा नहीं कि श्वास ही लेते रहते हैं भोजन के समय पर, ऐसा नहीं कि वह आहार ही लेते रहते हैं बंद, थोड़े बहुत हम ठीक जो रह जाओ, जल्दी ना करो। यदि बच्चे को ठसका लग जाए उस समय माँ होश हवास में आ जाती, अरे ठसका लगे क्यों लग गया बताओ, ज़्यादा मात्रा में दूध बह गया और ऊपर से आप नाकाउर पकड़ रहे हो तो कैसे जाएगा, वो भीतर जाएगा लेकिन उसको रहा नहीं गया, श्वास ही नहीं सा तो उल्टी हो गई। अब माँ रोती है तो कौन पूछेगा उसको, गलती किसकी है, प्रजा की है। इसलिए राजा यदि इस प्रकार का है तो प्रजा का भी कर्तव्य होता है। हनुमान कहते हैं आप चिंता न करो, मैं अवश्य तराश करूंगा। धन्य है ऐसे भक्त, ये भी एक रामायण का पात्र, कैसे कैसे पात्र उसके साथ जुड़ते गए हैं। कहते हैं कोई भी साथ नहीं था किंतु आज वनवास में सीता भी थी वो चली गई, राम और लक्ष्मण ये दो रह गए, तीन का जो जोड़ा था वो तो नहीं रहा, भरत इनके नाम से सत्ता संभाला हुआ है, पादुका भी रख स्थापित कर दी गई, इनका यहाँ वनवास चल रहा है, विवाह का अर्थ आज विवाद में पड़ गया है। हाँ आज विवाद ही चलता रहता है, उन्हें जीवन का रहस्य क्या है ज्ञात नहीं। कैसे लाएं, कैसे लाएं, वह भी तीन खंड के अधिपति था कौन, रावण। अब उसके लिए प्रति नारायण नारायण दोनों के नियुक्त हैं, लक्ष्मण जब उसके लिए वह प्रसंग आएगा उस समय उसको पछाड़ देगा, राम इस पछाड़ने के काम में सक्रिय नहीं थे, उनका अंतिम क्षण तक यही था हमें रावण का वध नहीं देखना है, किंतु उस विधा से उसको बचाते हुए केवल सीता को हमें दे दो, सीता तुम्हारी नहीं हो सकती, इसके लिए लड़ना पड़ रहा है, हमारा कोई ध्येय नहीं है। इस प्रकार जब हम कथा सुनते हैं, कथा पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है हम बहुत सारी कथा पढ़ लेते हैं और हम अपनी व्यथा को दूर करने का प्रयास करते हैं। एक को भी पढ़ो और बार बार पढ़ो तो आँखों का पानी कम होगा नहीं और आता रहेगा और आता रहेगा। आचार्यों ने कहा कि जितने बार दुख की घड़ियों को याद करोगे
उतनी ही कर्म की निर्जरा होगी, लेकिन उसमें सुख की चिंता मत करो। दुख जब मिटेगा तब सुख प्राप्त होगा, यह आचार्यों का कहना है। ये दुखमा काल है। कौन सा काल है? दुखमा। माँ का शब्द उसमें लगा हुआ है। सुखमा, दुखमा, और दुखमा दुखमा भी आने वाला है, और भोग भूमि में सुखमा सुखमा भी आ जाएगा। इन सब में हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए दुखमा सुखमा जब आएगा तब निश्चित है आपका कल्याण हो सकता है। न मैं उसको खींच करके ले आ सकता हूँ, न ही उसको फटकार सकता हूँ। आपको अपना कर्तव्य करते रहना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। हनुमान बहुत घूमे और आकाश मार्ग में, वो भी एक विद्याधर थे, जिनके पास अनेक विद्याएं थीं और उसके माध्यम से उन्होंने अंत तो गत्वा सीता की गवेषणा, सीता ने भी और राम ने भी अपनी आत्मा का अन्वेषण अनुसंधान नहीं कर पाए, किंतु सीता का अनुसंधान यदि किया तो वह कौन किया, किसने? हनुमान ने किया। उसने एक शोध प्रबंध का काम अवश्य किया है। होश हो तो उस कथा को पढ़ लो, नहीं तो उसको आप शोध कथा के रूप में स्वीकार नहीं कर पाओ। उनको भी चैन नहीं थी, कब मैं सीता को ढूंढ करके ले जाऊं। बहुत कठिनाई से सीता को वहां पर सुरक्षित रखा गया था। बार बार वह यही कहती रही, ये तो मिटना है शरीर, हमारी प्रतिज्ञा है, कहीं भी रहें लेकिन प्रतिज्ञा हम अपने साथ रखेंगे। और यह करती गई, वो बिल्कुल लकड़ी जैसी हो गई। खाने की इच्छा, पीने की इच्छा कुछ भी नहीं थी, लेकिन काया को बनाए रखने के लिए वहाँ खाया जाता था। एक मुनि महाराज जी के लिए व्रत होता है, एक तप होता है, अनेशन, ये बड़ा अद्भुत है। वैयावृत्ति के लिए, संयम पालन करने के लिए, ज्ञानार्जन करने के लिए, इसका मूल्य समझो, कीमत समझो, आगे बढ़ो। यह जितने भी प्रवर्तिगत मार्गनाई और गुणस्थान हैं, उनमें कभी भी मुक्ति नहीं दिखाया गया है। वह है गुणस्थान, संयम लब्धि स्थान होते हुए भी प्रवृत्ति में कभी भी केवल ज्ञान नहीं हो सकता। उस समय अप्रमत्त भले रह सकता है, किंतु उसका विकास नहीं हो सकता। उस विकास के लिए आप ठहरिए और शुभ लेशाएं बना लीजिए। तो सप्तम अनुष्ठान के बाद केवल शुक्ल लेशा और एक प्रकार से शुक्ल ध्यान, ये दोनों के साथ यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तब कहीं जा करके उपशम अथवा क्षय करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे यह प्रकरण आपके सामने, यह उनको तलाश कर दिया, अनुसंधान हो गया। अब इसके उपरांत आकर के कह देते हैं राम के पास, आप चिंता न करिए। चिंता तो पूरी पूरी जनता को है,
ये कब आएगी सीता राम के पास आकर के। कोई सो नहीं रहा अथवा रो नहीं रहा, किंतु सीता को याद करके दंडक वन में कैसे रह रही। आप सोचो, स्त्रियां होती हैं, अबला होती हैं, किंतु उन्होंने जो साहस के कार्य किए हैं अद्भुत हैं, अद्भुत हैं। उनको चैने, क्योंकि विवाह के समय पर दोनों को संकल्प कराया गया, जबरदस्ती नहीं कराया गया, क्योंकि उसके बिना आगे का प्रवाह नहीं आगे बढ़ सकता, रुक जाएगा। जैन धर्म की जय हो, जैन धर्म इस प्रकार से थोड़ी जय होने से जय होने लग जा। उसके लिए ऐसी प्रतिज्ञा का वहन करना पड़ता है। इसलिए श्रावकों के लिए भी उन्होंने कहा, ये संयमा संयम मार्गना है। इस मार्गना में रहने वाला अतिथि की चिंता करता है, और अतिथि से पहले वहाँ भोजन का निर्माण करके, शुद्ध भोजन का निर्माण करके उनको दे देता है। यह अतिथि संविभाग तरसता रह गए, इंद्र नहीं मिला। बताओ, तीर्थंकरों के पास हमेशा रहने वाला सोदर इंद्र कभी सौभाग्य नहीं जगा कि हम एक बार आहार तो दे दें। कभी न कहीं प्रार्थना तो की होगी, ए सौधन अब चिंता मत कर, चिंता करने से मैं लेने वाला नहीं हूँ, वहाँ पर खड़े हो जाओ, देखेंगे। खड़े तो नहीं हो सकते, तो खड़े हुए बिना श्रावक बैठ करके कभी आहार नहीं दे सकता। सुन रहे हो आप लोग? हाँ, उतने काल के लिए आप खड़े हो जाइए, और उससे पूर्व में भी खड़े हो जाइए, और बार बार सबरी बन करके प्रतीक्षा कर लीजिए। दूसरे के आंगन में मत जाइए, फिर लड़ाई होगी, कौन लुटाएगा। इसलिए आप समझो, गृहस्थ आश्रम में जो प्रतिज्ञा ली हुई है, वह भी एक प्रकार से मुनि महाराज के लिए ऐसे योगदान है, ऐसा योगदान और किसी के पास ऐसा योगदान और किसी के पास है नहीं। इसलिए हम अभी आहार नहीं करा रहे हैं, आप प्रतीक्षा करिए, नहीं समझे, आप प्रतीक्षा कराइए। तो हम भले ही आपको आहार नहीं कराएंगे, लेकिन जब आप करेंगे तो यह याद रहे, हाँ इसका महत्व अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आश्चर्य करने से कुछ नहीं होने वाला है, और वह केवल तांडव नृत्य करके ही अपने मन को समझा देता है। सौधर्मेंद्र और उसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि कब मुझे वो समय मिलेगा जब मैं भी तीर्थंकरों के समान इस तैया को अपने जीवन में उतारूंगा। इतना कह करके अहिंसा परमो धर्म की